हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस। आई एम अनिल राजपूत। आज मैं आपसे बायोलॉजी पे किडनी और रीनल सिस्टम पे बात करूंगा, जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जानते हैं। और किडनी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप तौर पे आपको जानना चाहिए। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, किडनी के बेसिक्स फंक्शन क्या है। किडनी की फंक्शन सिर्फ यही नहीं है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करे बॉडी से, किडनी की फंक्शन और भी होती है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे एक एक करके। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको पिछली क्लास में बता दूं मैंने आपको क्या समझाया। पिछली क्लास में मैंने आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इसको दो भाग में स्टडी कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आप लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से पढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक डक्ट के बारे में और आप लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एक पोर्शन आपको पढ़ा दिया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया और ब्लड की पूरी जानकारी मैंने दी है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये पोर्शन इम्यून सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है, कैसे हमारी बॉडी बाहर के पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस और प्रोटोजोआ से लड़ती है, डिफेंस मैकेनिज्म वो आप जब पढ़ेंगे तब आपको लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊंगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पढ़ना होगा, ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है ये पढ़ना होगा, लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होते हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन लाइक थाइमस ग्लैंड लाइक स्प्लीन, इनकी बात मैं आपसे डिफेंस मैकेनिज्म जो पढ़ाऊंगा आपको तब करूंगा। अभी अभी जब यूपीएससी मेंस की पेपर हुई है उसमें हमने देखा कि यूपीएससी मेंस में वैक्सीन प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, वो क्वेश्चन आई है। वैक्सीन प्रिपरेशन को समझने के लिए आपको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन और न्यू वैक्सीन जो आई हुई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, इसकी बात मैं आपसे उसी समय करूंगा जब मैं आपको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। तो वैक्सीन की जिक्र उसी समय की जाएगी। आज मैं आपसे किडनी पे बात करूंगा जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, उत्सर्जन तंत्र किडनी के नाम से जानते हैं, रीनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब भी रीनल वर्ड आए समझ जाना है कि किडनी की बात की जा रही है, ठीक है। क्या है किडनी, इसकी अगर बात करें तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन है। आमतौर पे हम मेन और किडनी की फंक्शन की बात करूं तो किडनी का जो मेन काम है ये मेन काम इसका है, इट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल ही किडनी का एक मेन फंक्शन है, और भी फंक्शन है बट ये वन ऑफ द फंक्शन है कि किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी की होती है, इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट? अगर आप जानते हैं कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं आप, जो फैट खाते हैं और प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड भी ले लूं, ये सारी चीजें आप डाइट में लेते हैं। जब ये डाइट में लेते हैं तो वो कार्ब्स जो आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या स्टार्च की बात करें, ये कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर में जाते हैं। सेल के अंदर में मैंने बताया था कि सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब वहां पे वो ब्रेकडाउन होगा। और जब कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर में जाके मेटाबोलाइज होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, उसके बाद यहाँ पे CO2 एंड वाटर, ये दो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 एंड वाटर है। वही अगर मैं बात करूं फैट का, अगर कार्बोहाइड्रेट के जगह पे अगर फैट आपके सेल के अंदर चला जाए और यहां पे फैट को तोड़ा जाए, फैट का ब्रेकडाउन हो, फैट का मेटाबॉलिज्म हो, तो इससे द्वारा जो बना हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो भी CO2 एंड वाटर होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 एंड वाटर दोनों होते हैं। कब बनते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हो, स्टार्च खाते हो, आप कुछ भी चीज खा रहे हो, जैसे ग्लूकोज ले रहे हो, फ्रक्टोज ले रहे हो, अगर वो सेल के अंदर में जाएगा और अगर वो मेटाबोलाइज हुआ, अगर वो ब्रेकडाउन होगा, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे, वो है CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अगर ये नहीं गया, अगर फैट आपके बॉडी में गया अंदर, जो आप फैट लेते हो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो फैट से एनर्जी बॉडी ऑब्टेन करती है, फैट बॉडी के अंदर जाएगा, वो मेटाबोलाइज होगा, वो ब्रेकडाउन होगा और उससे भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेंगे, जो वेस्ट होता है CO2 एंड वाटर। बट अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बात करें, अगर आपने कार्ब नहीं लिया अच्छे तरीके से, फैट भी नहीं लिया, तो अल्टीमेटली प्रोटीन से बॉडी एनर्जी को लेती है। प्रोटीन फिर सेल के अंदर में जाएंगे और वहां पे उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वो ब्रेकडाउन होंगे, उनके ब्रेकडाउन होने से फिर यहां पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन के वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पे बनते हैं जो वेस्ट बॉडी के अंदर, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनते हैं वो है CO2 एंड वाटर। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, ये तो समझ में आ रही है कि CO2 एंड वाटर है। नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ये तीन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पे बनता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अगर अमोनिया की बात करूं तो इसकी बात आपसे करूंगा, वन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी, सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। तो ये हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अभी हम लोगों को बात करना है CO2 एंड वाटर की, कि जो CO2 वाटर है इसको कैसे हम लोग बॉडी से रिमूव करें। तो आप जानते हैं लंग्स, मैंने आपको पढ़ाया था लंग्स में, आपने देखा पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लंग्स। तो लंग्स क्या करती है, लंग्स के माध्यम से आपने देखा जब आप ब्रीथ करते हैं तो CO2 को आप बाहर निकालते हैं। तो एक तरीका है मेटाबॉलिक वेस्ट जो CO2 है उसको बाहर निकालने का, वो एक तरीका है कि आप ब्रीदिंग के माध्यम से बाहर निकालें। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में मतलब सांस लेना है, सांस छोड़ना। जब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो वेस्ट जो बना था ये CO2 ब्रीदिंग के माध्यम से बाहर निकल जाएगा शरीर से, क्योंकि वेस्ट बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेस्ट अगर इकट्ठा होने लगेंगे तो हमारे बॉडी में विकार आने लगेंगे। अब बात करते हैं वाटर की, वाटर कैसे बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलने का बहुत सारा तरीका है, जैसे स्वेटिंग करना, पसीना आना, जैसे टॉयलेट के माध्यम से वाटर आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। और तो और अब जो सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं उस सांस में भी एक दिन में 450 ml पानी होता है। एक दिन में 450 ml पानी आप सांस से छोड़ देते हैं। तो ये पानी को बाहर निकालने का तरीका है हमारी बॉडी का। तो पानी भी बाहर निकल गया, यही मेटाबॉलिक वेस्ट बने थे, हमें बाहर निकालना है। तो वेस्ट कभी शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, वेस्ट इज वेस्ट, उसको बाहर निकालना पड़ेगा CO2 एंड वाटर। अब आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जो बना था प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब हमारे शरीर में गए थे और सेल्स के अंदर में जब मेटाबोलाइज हुए थे तो उनके मेटाबॉलिज्म पे बना क्या, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पे बना था नाइट्रोजनस वेस्ट। इसकी बात करनी है, तीनों CO2 एंड वाटर की मैंने बात कर ली, ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे रिमूव हो रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि हमारे बॉडी में जितनी भी चीज आप खा रहे हो, अगर वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फैट्स या प्रोटीन सेल्स के अंदर में जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, ब्रेकडाउन होता है और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, उन वेस्ट का रिमूवल ही हमारा है एक्सक्रीशन। उन्हीं वेस्ट का रिमूवल, शरीर से उनको बाहर निकाला जाए, वही होता है एक्सक्रीशन, वही है। तो आप बोलेंगे कि जो मल त्यागना होता है, आप जो मल त्याग करते हो, फीसेस को पास आउट करते हो सुबह सुबह, तो वो जो पास आउट करना है वो भी तो एक वेस्ट है, वो भी तो अनडाइजेस्टेड फूड है। क्या वो भी आपका क्या कहते हैं एक्सक्रीशन का पार्ट होगा, उत्सर्जन का पार्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि उत्सर्जन, एक्सक्रीशन उसी को कहते हैं जब हमारे शरीर के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल्स के अंदर में जाएं, सेल्स में जाके वो मेटाबोलाइज हो, वो वहां पे उनका ब्रेकडाउन हो, उसके बाद वहां से जो वेस्ट बनेगा, उस वेस्ट का रिमूवल जो है वो है एक्सक्रीशन। तो हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो मल होता है, जो फीसेस होते हैं, जो स्टूल होता है, वो कभी भी सेल्स के अंदर में एंट्री नहीं करता है, कभी सेल्स के अंदर में नहीं जाता है, कभी वो मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो उसका जो पास आउट है उसको बोलते हैं डिफिसिएशन। डिफिसिएशन के नाम से जानते हैं, वो एक्सक्रीशन नहीं है। एक्सक्रीशन बोलने के लिए हमारी बॉडी की चीजें सेल्स के अंदर में जाके मेटाबोलाइज होना जरूरी है, उसके बाद जो वेस्ट बनेगा उसका रिमूवल एक्सक्रीशन होता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी। हाउ मेटाबॉलिक वेस्ट आर क्रिएटेड? मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होते हैं बिकॉज हमारे बॉडी के जो फूड प्रोडक्ट है वो सेल्स के अंदर में जाते हैं, सेल्स में वो ब्रेकडाउन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद जाके वहां से जो प्रोडक्ट बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, उस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल ही हमारा एक्सक्रीशन कहा जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और नाइट्रोजन के वेस्ट भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया भी हो सकता है, इसको रिमूव करना है। लंग्स के माध्यम से आप सांस छोड़ेंगे, CO2 बाहर निकलेगा। और भी तरीका है CO2 को बाहर निकालने का। CO2 बाहर निकालने का एक तरीका आपको बताता हूं मैं। CO2 बाहर निकालने का तरीका है यूरिया के फॉर्म में। कैसे? आप जानते हैं CO2 जो है ये CO2 अमोनिया के साथ जुड़ेगा और बनेगा यूरिया। यूरिया तो CO2 जो है अमोनिया के साथ जुड़ के बहुत सारे प्रोसेस होती है, ऑर्निथिन साइकिल्स वगैरह चलती हैं, यूरिया बनता है। तो CO2 यूरिया के फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। और तो और आप कैसे निकाल सकते हो इसी CO2 को? आप देखेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, इसी CO2 को आप क्या करेंगे, CO2 जो है
ब्लड के अंदर पानी वगैरह है, पानी से मिलेगा बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड जो है टूटेगा HCO3- और H+ आयन, HCO3- H+ आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं, तो हमारा CO2 कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारे CO2 को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द तरीका शरीर में ब्रीदिंग के द्वारा सांस छोड़ते हैं तब। एक तरीका और है कि आप CO2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलेगा। एक और तरीका है कि CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, वो ब्रेक होगा बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा CO2। तो CO2 शरीर से बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज कार्बोनिफेरस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन क्यों है, क्योंकि ये CO2 बना था सेल्स के अंदर में, मेटाबोलाइज हुआ था तब बना था। कौन मेटाबोलाइज हुए थे? कार्बोहाइड्रेट। कौन मेटाबोलाइज हुआ था? फैट। तब बना था CO2 और साथ में वाटर भी बना था। वाटर की भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, वाटर निकालने की क्या क्या तरीका है बॉडी से, ठीक है, ये नोट करेंगे। इसको मैं लिखवा देता हूं आपको पॉइंट्स को, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नोट करने वाली तो कुछ है नहीं, मैंने समझा दिया सारी चीजें, अब मैं आपको लिखवा देता हूं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो कि एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट के टर्म में बात की जाती है वो है एक्सक्रीशन। जो आप मल त्यागते हैं, फिशेस को त्यागते हैं, उसको एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं, वो डिफिशिएशन है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी फिशेस सेल्स के अंदर में जाके मेटाबोलाइज कभी नहीं होती है, वो डायरेक्टली पास आउट होती है, इसीलिए वो डिफिशिएशन का पार्ट है। इट इज नॉट एक्सक्रीशन, इट इज डिफिशिएशन। एक्सक्रीशन क्या है नोट करेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, इट इज लिखेंगे, इट इज रिमूवल ऑफ, इट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल, हार्मफुल है जो नुकसानदायक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। वो वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं अभी मैंने बताया, वो वेस्ट हो सकता है CO2, वो वेस्ट हो सकता है वाटर, वो वेस्ट हो सकता है नाइट्रोजन के वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है जिनको बाहर निकालना है। अगर CO2 को बाहर निकालना है तो मैंने आपको बताया लंग्स के माध्यम से आप जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार के एक्सक्रीशन को, CO2 के एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीशन ऑफ CO2 अकर्स थ्रू लंग्स। इसका एक्सक्रीशन कहां से होगा? इसका एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन ऑफ CO2 अकर्स थ्रू लंग्स। लंग्स के माध्यम से जब सांस छोड़ेंगे तो उसके थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के एक्सक्रीशन को बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिफेरस एक्सक्रीशन। कार्बोनिफेरस एक्सक्रीशन जो लंग्स के माध्यम से आप CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, हमारा वेस्ट ये बाहर निकल गया शरीर से, ठीक है। ये एक तरीका है जो लंग्स के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी CO2 को निकालने का तरीका, CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, इस फॉर्म में भी CO2 बाहर निकलता है। दूसरा, CO2 प्लस अमोनिया, यूरिया बनेगा, यूरिया के फॉर्म में भी CO2 बाहर निकलता है। ये भी तरीके हैं, ठीक है, इनके अलावा, लंग्स के अलावा। वाटर को निकालने का तरीका, वाटर शरीर से कैसे निकलेगा? वाटर इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, डेफिनेटली यस, वाटर इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। कैसे? क्योंकि ये हमारे मेटाबोलाइज होने के कारण, हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट्स मेटाबोलाइज होने के कारण बन रहा है वाटर। और जब मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो वेस्ट बनते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। वाटर को रिमूव करने का तरीका स्वेटिंग के माध्यम से, वाटर को रिमूव करने का तरीका टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, वाटर को रिमूव करने का तरीका नाक से जो आप सांस छोड़ते हैं उसमें भी 450 ml वाटर पर डे निकल जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है ना, वेपर्स के फॉर्म में या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, छींकते हैं तो भी जाती है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में, ऐसे भी हमारे शरीर से वाटर बाहर निकल जाता है। इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर बोल दें, जो एक्सहेल्ड एयर होती है मॉइस्चर के फॉर्म में 450 ml वाटर पर डे निकल जाता है। ध्यान रखेंगे 400 या 400 ml बोल दें तो ज्यादा अच्छा होगा, 400 ml वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में पर डे निकल जाता है, 400 ml, ठीक है, लगभग 400 ml के आसपास होता है, ठीक है, ये आप नोट कर लिया। अब आते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। हमारी किडनी की एक फंक्शन एक्सक्रीशन होती है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें CO2 का रिमूवल आपने देख लिया, कार्बोनिफेरस एक्सक्रीशन है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट का जो एक्सक्रीशन है,
एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अकर्स थ्रू किडनी. किडनी के थ्रू कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट होता है? किडनी के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं यही एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से. तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अकर्स थ्रू किडनी. किडनी के माध्यम से नाइट्रोजन के बेस वेस्ट बाहर निकल जाते हैं शरीर से, किडनी के माध्यम से. बाकी ये सब तो जुगाड़ आप देख चुके हो कैसे हो सकता है, कैसे ये लोग बाहर निकल जाते हैं. नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं पर्टिकुलरली ये किडनी के माध्यम से बाहर निकलते हैं. दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपको आना चाहिए. तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. अनदर फंक्शन ऑफ किडनी इज ऑस्मो रेगुलेशन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. आपके अंदर की जो भी बॉडी है, बॉडी फ्लूड्स हैं, आपके अंदर जो फ्लूड है, द्रव है, उसके अंदर में पानी का लेवल मेंटेन होना चाहिए, उसके अंदर में आयंस का लेवल, सोडियम पोटेशियम, इनका लेवल मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर आयंस जो होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए. उनके ही मेंटेनेंस, उनको ही एक स्तर पर मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन है. इट इज़ नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी. Maintenance of water, it is nothing but the maintenance of water and ionic content of the body. तो बॉडी में वाटर एंड आयंस, आयंस जो होते हैं सोडियम पोटेशियम, इनको मेंटेन करना है एक सही मात्रा में, और वो मेंटेन करता है कहीं ना कहीं किडनी. उसका एक फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन. हमारे अंदर वाटर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगी तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाती है जिसमें अंदर पानी ज़्यादा होगा, यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा होगा. अगर पानी कम पी रहे हो तो किडनी के पास ये क्षमता है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी, यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से पानी बाहर ज़्यादा नहीं निकलने देगी क्योंकि हमने पानी कम पिया है. तो पानी अब ज़्यादा पी लेंगे तो यूरिन डाइल्यूटेड होगा. पानी अब कम पिएंगे तो पानी अब शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आपने पानी कम पिया है, इसीलिए यूरिन कंसंट्रेटेड होगा. ये किडनी के पास ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि वो यूरिन को कंसंट्रेटेड कर सकती है और डाइल्यूट भी कर सकती है. ये किडनी के पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में आप पढ़ सकते हैं. मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वाटर कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर में उसको मेंटेन करना, और आयोनिक कंटेंट सोडियम पोटेशियम जो आयन्स होते हैं इनको भी मेंटेन करना जरूरी है. ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है. दैट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. और भी फंक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि किडनी की और फंक्शंस क्या है और इनके बेसिक्स, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, और किडनी के बारे में और भी जानकारी मैं आपसे दूंगा, और इससे रिलेटेड डिजीज जो होती है, डिजीज बीमारियां, उनकी भी बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप किडनी की फंक्शन एक्सक्रीशन समझ पाए होंगे. इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना ही एक्सक्रीशन है. मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो सेल्स के अंदर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म होने के कारण, उनके टूटने के कारण बनते हैं, वो होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. एग्जाम्पल CO2, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. ये इनको रिमूव करना ही एक्सक्रीशन है. लेकिन मल को, फिशेस को रिमूव करना एक्सक्रीशन नहीं होता है क्योंकि कोई भी फिशेस, किसी भी व्यक्ति का फिशेस सेल्स के अंदर में एंटर नहीं करता है, वो मेटाबोलाइज नहीं होता है. इसीलिए उसका जो है रिमूवल एक्सक्रीशन नहीं है. वो भी वेस्ट है लेकिन उसका रिमूवल एक्सक्रीशन नहीं है, उसका रिमूवल है डिफिशिएशन, मल का त्यागना. ध्यान रखेंगे क्योंकि वो सेल्स के अंदर में नहीं गया तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि उसका रिमूवल एक्सक्रीशन है. सेल्स के अंदर में जाओ, मेटाबोलाइज हो, वहां पर उनका ब्रेकडाउन हो, उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा उसका रिमूवल है एक्सक्रीशन. बजाय कि आप कह दें कि फीसेस का रिमूवल है एक्सक्रीशन, फीसेस का रिमूवल, मल का रिमूवल एक्सक्रीशन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट इंटर इन द सेल्स. ये कभी सेल्स के अंदर में एंटर नहीं करता है फीसेस, और वहां पे मेटाबोलाइज नहीं होता है, सीधे अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाते हैं बाहर एनस के थ्रू. इतना आज के लिए काफी है. आई होप फीलिंग लिया होगा किडनी के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या समझ सकते हैं. किडनी के बाद अगली पार्ट होगी स्केलेटल सिस्टम. डेफिनेटली हड्डियों के बारे में 206 में बताऊंगा आपको, बट किडनी की और जानकारी अभी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा किडनी के बारे में. नेफ्रॉन्स की बात करनी है हमें, बोमेंस कैप्सूल की बात करनी है, ग्लोमेरुलस की बात करनी है, PCT की बात करनी है, DCT की बात करनी है, कलेक्टिंग डक्ट की बात करनी है, और भी बात हमें करनी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. मैच्यूरेशन क्या होता है ये भी बात करेंगे.
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं लोगों से शेयर कीजिए, आपकी वीडियो है, आपको कंटेंट में दे रहा हूँ, आपके लिए कुछ भी यूजफुल हो रहा है तो ज़रूर आप दिल से लोगों के बीच में शेयर करो और अपनी कमेंट जरूर यूट्यूब पे छोड़ो। किस तरीके की फीलिंग आपको आ रही है, कंटेंट समझ में आ रही है, कहीं डाउट होता है आप तुरंत यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ डाउट है, मैं तुरंत क्लियर करूँगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जिसका भी जो कमेंट होगा मैं जरूर पढ़ता हूँ, जो भी डाउट होगा मैं जेन्युइनली क्लियर करूँगा। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।